साथ वागीशा। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं में, सामाजिक कार्यों में और अन्य गतिविधियों में अपने आप को साबित किया है। शैक्षणिक कार्य नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियां, लोगों की मदद करना और कविताएं लिखना, डांस करना, सिंगिंग करना, मानो तो ऑलराउंडर सर हमारे बीच मौजूद है देवेंद्र बंसल जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर जैसा कि मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं कि आपने शैक्षणिक कार्य, सामाजिक गतिविधियाँ, व्यापार के रूप में लोगों की मदद करना, कवि, डांसिंग, सिंगिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक मुद्दे पे, जो बहुत एक रहता है कि सामाजिक मुद्दा, लोगों की मदद करना हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन आपने वो किया। तो सर क्या ख्याल है आपका, सामाजिक मुद्दे, सामाजिक पे आपने बात की तो कैसे, मतलब सामाजिक गतिविधि आपने कैसे शुरू की, लोगों की मदद करना, उस बारे में बात कीजिए। बस एक मन में भाव था कि हम लोगों के प्रति जागरूक रहें, उनकी कुछ सेवा कर सकें। आजकल समर्पित भाव से कोई काम कर नहीं सकता है और ना करते हैं लोग। एक मन में भाव था, एक पीड़ा थी कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर मेरा प्रयत्न था कि मैं किसी के कुछ काम आ सकूं। इस उद्देश्य को लेकर मैंने सामाजिक जीवन में अपने आप को ढालने का प्रयत्न किया और इसीलिए मैं समाज सेवा में आगे आया। अग्रवाल समाज का जहाँ की बात करें तो अग्रवाल समाज की विभिन्न संस्थाओं में मैं रहा, किसी न किसी पद पर रह के मैंने सामाजिक दायित्व निभाया। यही नहीं, मैंने अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का मैं संस्थापक रहा, जिसका कि गठन किया, जिसमें समाज के कई संगठन थे इंदौर में। उस समय सभी को एक कर कर, भास्कर के रमेश जी अग्रवाल को साथ लेकर मीटिंग कर कर उनको सबको एक रूपता में बांधने का प्रयत्न किया कि हम सब सामाजिक स्तर पर एक हों, संगठन हमारा मजबूत हो, जिससे कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंच सके और हम देश हित में, समाज हित में, शहर हित में कुछ कर सकें। इस तरह कई आयोजन हम लोगों ने किए जो कि आज भी अनुकरणीय हैं और लोगों के काम आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। समाज हित के कई, आज इतनी संस्थाएं शहर में हो गई, उस समय गिनी चुनी संस्थाएं थी जब अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का गठन किया गया। मैं अग्रसेन यूथ क्लब में रहा, अग्रश्री अग्रवाल सभा में रहा, अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का फाउंडर रहा। ऐसी अनेक संस्थाओं में रहकर कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किया। सर जहाँ एक और व्यापारी लोग सिर्फ अपना व्यापार देखते हैं, लेकिन उसके बीच आपने लोगों की मदद की, अपनी कविता, अपनी कवि, मतलब कविता को जाहिर किया। तो सर कविता के बारे में क्या ख्याल है आपका, कहाँ से आपने शुरुआत की, आपको लगा कि मैं कवि बन सकता हूँ, मैं कविताएं बोल सकता हूँ, लोगों तक प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो सर कहाँ से शुरुआत की आपने कविता? मेरा इसमें कविता का प्रेम जागृत हुआ जब मैं किसी समय बॉम्बे सेंट्रल से इंदौर की तरफ आ रहा था, ट्रेन में था, और मेरे गुरु के प्रति मेरे को भाव मन से पैदा हुए। तो जब मन से भाव पैदा हुए तो उसी समय मैंने एक डायरी में नोट करना चालू कर दिया और मैंने उसी समय कविता का सृजन हुआ। और मैंने वो दो लाइन आपको बताता हूँ। गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया, कर कर वंदन में तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। गुरुवर तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया। वाह सर क्या बात है। सर जैसा कि मैंने सुना है कि कविता आप सभी क्षेत्रों की लिखते हैं, हमारे देश की बात हो, समाज की बात हो और लोगों की बात हो, तो सर देश के बारे में आपका क्या कहना है, लोगों से क्या अपील है आपकी? मैं जब देखता हूँ देश का सिपाही अपनी सीमा पर बैठा हुआ है, वो गोलियां खा रहा है, उस पर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। खूबसूरत वादियों में लहूलुहान हो जाती है जब बरसती है गोलियाँ हमारी सीमाओं पर। खूबसूरत वादियों में लहूलुहान हो जाती है जब बरसती है गोलियां हमारी सीमाओं पर। सब कुछ छोड़ दर्द सहते जवान खड़ा है देश रक्षा में। सब कुछ छोड़ दर्द सहते जवान खड़ा है देश रक्षा में। मन व्यथित हो जाता है जब जवान शहीद हो जाते हैं। बड़ा मन व्यथित हो जाता है जब जवान शहीद हो जाते हैं। इसका ऊपर भी मैंने कई कविताएं लिखी हैं। मैंने माँ के ऊपर कविताएं लिखी है, देश के ऊपर कविता लिखी है, पिताजी के ऊपर कविताएं लिखी है, राष्ट्र हित के ऊपर कविताएं लिखी है, शहर हित पे भी कविताएं लिखी है। ऐसे अनेक सब्जेक्ट पर मैंने कविताएं लिखी है। ये एक मन भाव पैदा हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं सब फील्ड में अपने आप को सही कर पा रहा हूँ। सर आपने कहाँ से शुरुआत की कविता लिखने की? जैसे आप व्यापारी हैं, बिजनेस में बिजी रहते होंगे, आपका शेड्यूल काफी व्यस्त रहता होगा, लेकिन फिर आप कविता के बारे में सोचते हैं तो सर क्या आप पहले से स्टडी करते हैं, मन का भाव व्यक्त होता है? नहीं, ये तो अंतरात्मा से अपनी आवाज उठती है। रात को जब नींद नहीं आती है तब कविताएं बनती है जी। या कोई इस तरह का हो जाता है। अटल जी जब चले गए तो अटल जी के ऊपर मैंने कविता लिखी। अटल जी चले गए तो बड़ा दर्द मन में था। एक ऐसा राष्ट्र पुरुष जिसने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, वो चले गए। उस समय मेरी कविता, नई कविता का सृजन। ऐसे ही हमारे कई जो लोग चले जाते हैं या कुछ ऐसा होता है या देश में कोई राष्ट्रीय हानि होती है तब मन में भाव पैदा होते हैं और कविता का सृजन होता है। जी सर, जैसा कि सामाजिक है हमने कवि के लिए बात की, लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं आपने शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया, जहाँ स्कूल के डायरेक्टर रहे, एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, जो भी, तो उसके बारे में क्या कहले सर, आप इतनी गतिविधियों में जाते हैं तो क्या कारण रहा? एक तरफ सामाजिक रूप में भाग लेना, शैक्षणिक में भाग लेना, सर क्या कारण था? मेरे मन में भाव था कि बच्चों के प्रति कुछ हम कर सकें, क्योंकि देश की जो नई पौध है अगर उसको अगर मजबूत करेंगे तभी हमारा राष्ट्र निर्माण होगा। तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी नींव मजबूत होना चाहिए, नींव तभी मजबूत होगी जब नई पौध को हम तराशने का काम अगर सही रूप में हुआ। हमारी शिक्षिकाएं, हमारे देश के सभी लोग और जो इसके प्रति समर्पित हैं या भाव रखते हैं तो वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बन के उभरेंगे और हमारे राष्ट्र में शक्ति पैदा होगी। तो इसी उद्देश्य को लेकर इलवा हायर सेकेंडरी स्कूल का गठन किया, जहाँ मैं 20 साल तक कुछ ना किसी पोस्ट पर रहकर मैंने शैक्षणिक गतिविधियों का दायित्व निभाया और ऐसी शिक्षा देने का कोशिश की है कि जो कि सभी को अच्छा लगे और उनका मजबूत हो, मतलब नई पौध को किस तरह से मजबूत करना। हमारी फाउंडेशन अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। इसी उद्देश्य से उसका ध्यान रखकर वहाँ नई नई क्रिएशन, नई नई क्रिएटिविटी कर कर बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना, किस तरह से प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य लोगों का था। सर जैसा कि आपने बताया, मैंने सुना भी है कि ताज होटल के द्वारा आपको ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के लिए चुना गया, तो सर उसके बारे में क्या ख्याल है? आप कैसे, आपकी स्ट्रगल लाइफ रही, आप एक ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ी बात है, तो सर क्या कहना चाहिए? मैं कुछ ना कुछ करता रहा, मैं सोशल जीवन में और अपनी व्यापारिक गतिविधियों में आगे रहा। विभिन्न तरह की, चाहे बैंकिंग क्लियरिंग की समस्या हो, उस समय भी मुझे शहर के सारे व्यापारिक एसोसिएशन ने मुझे संयोजक बनाया, सारी एसोसिएशन ने मिलकर मुझे संयोजक बनाया कि आप इसके लिए मुद्दा उठाइए, बैंक की प्रॉब्लम है। इसी तरह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो यहाँ से शिफ्ट हो रही थी, उस समय भी मैंने आवाज़ उठाई। तो मैंने शहरी नहीं, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ बनाई। तो मुझे मौका मिला कि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का अध्यक्ष बनूँ। फेडरेशन ऑफ आयुर्ष ट्रेड एसोसिएशन का मेरे को अध्यक्ष बनाया गया और इसकी बैठक बॉम्बे में ताज होटल में हुई, जहाँ की मुझे निर्वाचित घोषित किया गया। प्रणब मुखर्जी के साथ भी मुझे मौका मिला अपनी बात रखने का और अपने देश हित में बात रखी। जी सर, जैसे आप लोहा व्यापारी हैं, उसके साथ साथ सर आप इतनी गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आगे का क्या प्लान है सर? आगे कौन सी संस्था से आपको जुड़ना है या आगे की गतिविधियों का क्या प्लान है आपका? मैं अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, देश के प्रति समर्पित करना चाहता हूँ, व्यापारिक सामाजिक गतिविधियों के लिए समर्पित करना चाहता हूँ और मैं लोगों को गाइड करना चाहता हूँ। मेरे से कुछ हो सके, मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ, यही मेरा उद्देश्य है। और कोई भी संस्था अगर आती है या कोई भी संस्था मेरे को उचित समझती है, मैं उसको साथ देने के लिए तैयार हूँ, उसके कार्य में अपनी भागीदारी निभाने को तैयार हूँ, क्योंकि जब तक हम क्रिएशन नया नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा उद्देश्य कुछ ना कुछ नया क्रिएशन होना चाहिए, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, व्यापारिक हो। अगर हम क्रिएशन करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बदलते युग में हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ क्रिएशन नया करना और उसके साथ में आगे बढ़ना, तभी हम उस शिखरता को प्राप्त कर सकेंगे। जी सर, जैसा कि आप लोहा व्यापारी और आप समाज की सेवा करते हैं, शैक्षणिक कार्य में भी आपका बहुत भागीदार रहे हैं। आप लोहा व्यापारी हैं और बीच में अगर आपका कोई व्यापार का काम चलता है और उसी बीच आपको समाज सेवा के लिए कोई फोन आता है, तो सर आप क्या अपना कार्य छोड़ के वो कार्य करते हैं? बिल्कुल, फर्स्ट प्राथमिकता मेरी ये होती है कि मैं अपने आप को समर्पित उसी कार्य के लिए करता हूँ, चाहे वो समाज सेवा हो, व्यापारिक एसोसिएशन हो या कोई और हो। मेरे व्यापार बिजनेस को भी मैं बाद में देखता हूँ, पहले इन कार्यों को देखता हूँ, क्योंकि सब सिस्टमेटिक और व्यवस्थित होगा और हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे, किसी के लिए कुछ कर सकेंगे, तो यह मेरे सौभाग्य की बात होगी। सर इंदौर शहर के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि क्लीनर शहर हैट्रिक लगवा चुका है, इंदौर शहर हैट्रिक हो गया, स्वच्छता में हम आगे हो गए, हमारी कॉलर ऊंची हो गई है, हमारा सर मस्तक ऊंचा हो गया है, अब बहुत कुछ स्वच्छ हो गया है। लेकिन हमें चाहिए कि कॉलोनियों को भी स्वच्छ करें। कॉलोनियों में चैम्बर खुले पड़े हैं, सड़कें अव्यवस्थित हैं, उसे भी सुधारने की आवश्यकता अब महसूस की जा रही है। अगर वो भी सुधर जाएंगी तो बहुत कुछ हो सकेगा और हम और अच्छे गर्व से कह सकेंगे हमारा प्यारा शहर इंदौर। तो देखा आपने किस तरह सर ने बताया कि वे अपने व्यापार काम को भी छोड़कर सामाजिक कार्य में लगे हुए थे। तो ऐसे ही शख्सियत से हम आपको मिलाते रहे। आप देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।